ईद उल फित्र की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच मुबारक खां शहीद दरगाह पर हुई साकुशल संपन्न। अल्लाह से संसार के सभी नागरिकों के कल्याण की मांगी दुआ, एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की बधाई। चौपाल ऐप के चीफ कॉन्टेक्ट ऑफिसर नितिन गुप्ता ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि चौपाल विश्व का पहला भोजपुरी ऐप है। भोजपुरी फिल्म दरार टू चौपाल पर किया गया है लॉन्च, ऐप डाउनलोड कर उठा सकते हैं लाभ। सेफ सोसाइटी के डायरेक्टर वैभव शर्मा ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में शुक्रवार को करवाई जा रही स्पर्धा फुटबॉल, दौड़, खो खो और कबड्डी की करवाई जाएगी प्रतियोगिता, विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। गेहूं के खेतों में आग लगने पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, जहां भी गेहूं के खेतों में लग रही है आग, किसान भाई जनसुविधा केंद्र के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर मंडी परिषद के साइड पर अग्निकांड का जो आइकॉन है उस पर जाकर के अपना समुचित विवरण करवा दे, दर्ज जांच होने के बाद आपके खाते में भेज दी जाएगी सहायता राशि। इंडिया गठबंधन के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि देश के सभी नागरिकों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है घोषणा पत्र, चुनाव जीतने पर पूरे बांसगांव का करूंगा विकास।